कभी भी किसी भी अघोरी की साधना को आप देखते हैं तो वो साधना तीन रूप में बटी होती है। वो शमशान में तपस्या करते हैं, शमशान में साधना करते हैं, रात में जब चिताएं वहां जल रही होती हैं तो लोग वहां जब चले जाते हैं पर वो एकांत में कहीं पर भी बैठकर साधना में लीन होते हैं। दोस्तों हालांकि हमने पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं अघोरी के बारे में, अघोर के बारे में, किस तरह से वो इंसानी मांस खाते हैं, किस तरह से अपने ही मल का वो सेवन करते हैं और उनकी मौत के बाद उनका क्या होता है, कब वो खुद अपना ही अंतिम संस्कार कर देते हैं, ऐसी कई सारी बातें हमने आपको बताई हैं। बट ऐसी कई और सारी रोचक बातें हैं जैसे कि शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना, ऐसी कई सारी बातें हैं। आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद किसी भी अघोरी का क्या होता है, क्या वो दूसरे अघोरी उसका मांस खा लेते हैं, या फिर क्या एक अघोरी जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार कर देता है, क्या बोलता है अघोरियों का इतिहास, ऐसी कई सारी बातें हैं आपके दिल में और ऐसे कई सारे सवाल जो आप पूछते हैं अपने कमेंट के माध्यम से हमारी वीडियोस में कमेंट कर। अघोरी पर जो हम पूरी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं इसमें सारे सभी तरह के डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या अघोरी सच में ही इतने ज्यादा निर्दयी, खूंखार और जिसको मोस्ट डेंजरस बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है या फिर लोगों के बीच में गलत धारणा है, ऐसी कई सारी बातों में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए द अघोरी के बारे में बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कर्तव्य पथ और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा, द अघोरी। दोस्तों अघोरियों के बारे में बात करें, अघोरी के बारे में जो आप जानना चाहते हैं तो वहां 18वीं शताब्दी से कुछ बातें आपके सामने आती हैं, जैसे कि एक था कपाली का संप्रदाय हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा कुख्यात था, बहुत ज्यादा लोग डरते थे इनसे, इनके बारे में कुछ बातें ऐसी प्रचलित थी, लोग मानते थे ऐसा, इतने कुख्यात थे कि वो नर बलि दिया करते थे, नर बलि दिया करते थे। हालांकि देखा जाए तो अघोरी समाज में किसी भी जानवर की बलि देना तो उनकी उपासना का, उनकी साधना का एक अंग माना जाता है, वो जरूरी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। बट जो कपाली का संप्रदाय हुआ करता था, बोलते थे जो इंसानी खोपड़ी की जो शुरुआती हुई चीज़ें, इंसानी खोपड़ी से क्या क्या तंत्र मंत्र करना और साथ में ही नर बलि देना, मतलब कि इंसान की बलि देना, इसी चीज़ के लिए कि कपाली का संप्रदाय बहुत ज़्यादा कुख्यात हुआ। अब बात ये आती है कि जब एक अघोरी मर जाता है तो क्या उसके शव को दूसरे अघोरी मिलकर खा लेते हैं, जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा, हम जो कहानियाँ सुनते आए हैं बचपन से ही हमें कहानियाँ बताई गई हैं कि जितने भी अघोरी होते हैं वो सभी इंसान का मांस खा लेते हैं, अपना मल खा लेते हैं, यहाँ तक कि रात को जो साधना करते हैं वो चिता के पास बैठकर वहाँ जो बचे हुए अवशेष होते हैं, कोई मांस बच जाता है उसको वो खा लेते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें, काफ़ी सारी कपोल कल्पनाएँ हैं, कई झूठी कहानियाँ हैं और कई सारी सच्चाई भी हैं जो हमारे सामने आती हैं। कभी भी किसी भी अघोरी की साधना को आप देखते हैं तो वो साधना तीन रूप में बटी होती है। शिव साधना, क्योंकि शिवा ही उनके लॉर्ड हैं, वो मानते हैं शिवा जो इस सृष्टि के संहारक हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ वही करते हैं और कोई भी अघोरी अपने पूरे जीवन में सिर्फ लॉर्ड शिवा की साधना करता है, उपासना करता है, पूजा करता है और तपस्या करता है, अपना पूरा जीवन लॉर्ड शिवा के कदमों में अर्पण कर देता है, शिवा साधना उसे ही कहते हैं। दूसरा होता है शमशान साधना। अघोरियों को ऐसा मानना है दोस्तों कि जब किसी भी इंसान का शरीर अपनी आत्मा से अलग होता है, जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है तो वह जो डेड बॉडी है वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा रह जाता है, उसका भी सेवन हम कर सकते हैं। किसी भी अघोरी के बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि वो हर तरह की जीव को खा सकते हैं, किसी भी तरह का मांस हो, चाहे वो इंसानी मांस क्यों ना हो, उससे भी वो परहेज नहीं करते हैं, उसको भी खा सकते हैं, सिर्फ गौ मांस से वो बचते हैं, गौ मांस का सेवन वो लोग नहीं करते हैं। सभी अघोरी, जितने भी अघोरी होते हैं, वो अघोर को पाने के लिए वो शमशान में तपस्या करते हैं, शमशान में साधना करते हैं, रात में जब चिताएं वहां जल रही होती हैं तो लोग वहां जब चले जाते हैं पर वो एकांत में कहीं पर भी बैठ कर साधना में लीन होते हैं। उनका मानना है जब आत्मा चली गई है तो शमशान से ज्यादा अच्छा आत्मा से बात करने के लिए, और ऐसा माना गया है, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि जितने भी अघोरी होते हैं, कई सारे अच्छे अघोरी जो बहुत अच्छी साधना करते हैं, वो मरने के बाद उस डेड बॉडी से, उस मुर्दे से बातें कर सकते हैं। उनका मानना है कुछ वक्त तक जो आत्मा वहीं ठहर जाती है उनसे बातें की जा सकती है, और बोलते हैं कि अघोरी उन आत्माओं से बातें करते हैं, शमशान में
कई तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र किए जाते हैं, साधना की जाती है, उपासना की जाती है, और किसी भी आम इंसान के लिए ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। वो एक रात भी शमशान में रुकना नहीं चाहता, बट ये जो अघोरी होते हैं पूरी पूरी रात, कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, इवन सालों तक भी शमशान घाटों में तपस्या करते हैं। शव साधना होती है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई डेड बॉडी होती है तो कई बार उसके ऊपर बैठकर भी साधना की जाती है, उसके आसपास बैठकर साधना की जाती है। शव जो होता है उनके लिए वो शरीर है जिससे कि वो एक अपनी एनर्जी लेते हैं, अपनी जो शख्सियत है, जो खुद में जो वो अघोरी हैं, अपने आप को और बलशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए जो साधनाएं करते हैं उन्हीं का एक रूप है शव साधना। हालांकि अघोरियों में अगर देखा जाए तो कपालिका संप्रदाय जो बहुत कुख्यात हुआ, बहुत बदनाम भी हुआ नर बलि के लिए, जो इंसानी बलि दे दिया करते थे, इंसानी खोपड़ी तंत्र मंत्र किया करते थे, हालांकि उस संप्रदाय का अब कोई भी अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, बट बहुत ही कुख्यात एक संप्रदाय रहा जिसको कपालिका संप्रदाय कहते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जितने भी संप्रदाय होते हैं, समाज होते हैं या गुट बनाए जाते हैं, संप्रदाय मतलब या समाज मतलब जैसे आपने सुना होगा सभी का एक अलग समाज है, उसी तरह से वो किसी ना किसी तरह के बंधन में बंधे होते हैं, रूल्स में बंधे होते हैं, कानूनों को फॉलो करते हैं जो वो संप्रदाय, समाज या हमारे देश का कानून बनाता है। पर ऐसा कहते हैं कि अघोरी ऐसे किसी भी नियम कानून को नहीं मानते, वो अपने अघोर को पाने के लिए, सिर्फ अघोरी बनने के लिए अपने सिर्फ लॉर्ड शिवा, जिस शिव भोलेनाथ की वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपना एक रूप मानकर सब कुछ करते जाते हैं और जीवन में कुछ भी वो निष्क्रिय नहीं समझते, कुछ भी वो गंदा नहीं समझते, इसीलिए वो हर तरह का मांस खा भी लेते हैं, मल मूत्र से भी परहेज वो लोग नहीं करते हैं। दोस्तों जितने भी अघोरी होते हैं, अघोरी पूरी तरह से अपने पूरे परिवार का त्याग कर देते हैं, वो अपने परिवार से कभी भी किसी भी तरह का संपर्क तक नहीं करते और बिल्कुल अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। और जब कोई अघोरी बनना चाहता है तो उस वक्त सबसे पहले वो अपना खुद का अंतिम संस्कार करता है, ना ही तो अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति से वो कॉन्टैक्ट करता है, संपर्क करता है, और दूसरे लोगों को भी अपने जीवन में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए कई बार होता है जो अघोरी अपनी तपस्या में, अपनी साधना में लीन होते हैं कई वर्षों से, और लोग जाकर जब उन्हें परेशान करते हैं, इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, तो वहां उन्हें उनका विकराल रूप या रौद्र रूप देखने को मिलता है। और फिर कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं वो मोस्ट डेंजरस होते हैं किसी भी तरह के इंसान को लेकर। दोस्तों कहते हैं कि अघोरी में इतनी शक्ति होती है कि वो मुर्दों से भी बात कर लेते हैं, आत्मा से बात करते हैं, कई आत्मा उनके वश में होती है। जिस तरह से आप देखो तो एक इंसान इंद्रियों के वश में होता है, उसी तरह से वो इंद्रियों का भोग करता है। पर कहते हैं कि जितने भी अघोरी होते हैं वो इंद्रियों का भोग नहीं करते, इंद्रियां उनके वश में होती है, क्योंकि वो अपने जीवन को सरल नहीं बनाते, अपने जीवन में किसी भी तरह की इंद्रिय का भोग नहीं करते, और सभी तरह के सुख और दुख उनसे परे होते हैं। ना वो दुखी होते हैं, ना वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड शिवा की उपासना, पूजा और साधना में ही व्यतीत हो जाता है। दोस्तों अघोरियों के बारे में लोग जानते बहुत कम है, बट इनके बारे में कहानियां बहुत हैं, किस्से बहुत हैं। बचपन से ही बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं, डराया जाता है कि इनको लेकर हमारे दिल में एक डर ही बना रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक साधक हैं जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, साथ में ही तपस्या करते हैं अपने लॉर्ड शिवा की, जिनको ये अपना ईष्ट मानते हैं, अपना पूरा जीवन इनके ऊपर ही निछावर कर देते हैं। और सभी अघोरी जो जानवरों की बलि देते हैं वो उनकी साधना का एक हिस्सा होता है। और दोस्तों यह भी सत्य है कि एक तरफ एक जो साधारण आदमी होता है, साधारण इंसान है, अपनी जिंदगी में अंतिम संस्कार जैसे शब्दों से, शव यात्रा से, शव से, शमशान घाट से डर जाता है, वहीं जितने भी अघोरी होते हैं वो अपना अंतिम संस्कार अपने जीवित रहते ही कर देते हैं। और मरने के बाद जिस तरह से दूसरे किसी भी एक इंसानी बॉडी का कोई भी शरीर का कोई भी अंग अघोरी खा सकता है, बट उस अघोरी की लाश को खाया नहीं जाता, उसका प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं अघोरी के बारे में, या आप चाहते हैं अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।